हमारी गलती क्या, मेहनत करना और क्या, लेकिन हमारी गलती क्या, मेहनत करना और क्या। मेरा नाम साइमा है और यहाँ पर हम सब यहाँ पर एफ ए क्वालिफायर सर, तो हमारी डिमांड ये है कि एल जी साहब हमें एश्योरेंस दे, क्योंकि जो हमने इंटरनल सोर्स से हमें पता चला है कि दे आर गोइंग टू स्क्रैप द एफ ए, ठीक है। तो अब हमें एश्योरेंस चाहिए कि ऐसा ना हो, बल्कि हमारा जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है जिसका हम वेट कर रहे थे 1.5 महीने से, अब हमें पता चला कि ये कुछ इन्होंने इंक्वायरी खुद ही बंद कमरे में की है, किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, ना फर्स्ट प्रॉपर को किया है, ना सेकंड प्रॉपर को किया है, ना कश्मीर की फर्स्ट प्रॉपर को इन्वेस्टिगेट किया, बस ऐसे ही ये लोग बोल रहे कि स्क्रैप करेंगे, जिसके हम खिलाफ हैं। हम लोगों ने 2 साल बंद कमरे में मेहनत की है, जो ये लोग इस वक्त स्क्रैप करके जाया कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हो गए हैं। इनका ये जो है ना, इनका बहुत ही इजी होता है बोलना कि आप लोग दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, इतना आसान नहीं होता है प्रिपरेशन करना, उसके लिए खुद का अपना माइंड बनाना। बस हम ये बोल रहे हैं, अगर आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो 2 दिन में कंक्लूजन में मत आओ कि हम स्क्रैप करेंगे, फेयरली इन्वेस्टिगेट करो, फिल्टर आउट करो। CBI सिस्टम किसके लिए बिठाए आप लोग? CBI का काम ही होता है ऐसे इन्वेस्टिगेशन करना, फिर क्या काम है? सिर्फ ये लोग बोलते इतना आसान नहीं है, और सुबह से ये लोग हमें सर्कस कर रहे, सुबह से हमें पुलिस हमारे पीछे पड़े हुए है, सिर्फ धमकियां देते रहते हैं कि हम FIR लॉन्च करेंगे। डिमांड क्या है? डिमांड तो यही है, स्क्रैप मत कीजिए इस लिस्ट को, LG साहब हमें एश्योरेंस दे। 1 ट्वीट चाहते हैं हम, कल सुबह से सिर्फ हम 1 ट्वीट की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ सर, कल से हम यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट पे है, तो हम कल रात 11 बजे तक ऑलमोस्ट यहाँ पे थे, फिर पुलिस आई यहाँ पे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, और हमने उनके साथ फुल्ली कॉपरेट किया, क्योंकि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम यहाँ पे कोई इलीगल काम नहीं करें, हम साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए यहाँ चले गए। हम फिर हमने थोड़ी अकोमोडेशन यहीं पे अरेंज की, अब हम सुबह आए थे फिर से प्रोटेस्ट करने, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, बोला कि आप DC ऑफिस से परमिशन ले आओ। फिर हम DC ऑफिस गए, लेकिन हम चूंकि बहुत तादाद में थे तो हमें रास्ते में ही रुकाया गया, वहाँ से अपॉइंटमेंट अगर मिल सकती है तो हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन IG साहब ने हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी। तो मैं आपके मीडियम से उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर प्लीज़ वो हमें सुन रहे हैं तो हमारी प्लीज़ फरियाद सुनिए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ इंसाफ कीजिए, अगर हमारी इस लिस्ट में कुछ गड़बड़ है तो इसको प्लीज़ स्क्रैप मत कीजिए, तो इसको फिल्टर आउट कीजिए, अगर आपके पास बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनका यूज़ कीजिए आप, और जो भी कल्प्रिट्स इसमें हैं उनको बाहर निकालिए, बस यही कहना चाहता हूँ।